हर बार ये पॉलिटिशियंस खुद गलतियां करना और हिंदू धर्म ग्रंथों से किसी कैरेक्टर को उल्टा कर उनका नाम उच्चारण करना, इनके गंदी जुबान से मुझे इरिटेट हो रही है। द्रौपदी जी पतिव्रता है, खुद कृष्ण जी ने बोला क्योंकि द्रौपदी जी का दूसरा नाम है कृष्णा। रही बात महुआ मात्रा जी, खुद को द्रौपदी माँ का ब्रह्म में रहना, आप मैं कहती हूँ महुआ मात्रा जी, आप कहते ही द्रौपदी माँ नहीं, वो पतिव्रता शिरोमणि है, ये वरदान कृष्ण जी ने खुद दिया, क्योंकि वो लिपस्टिक के लिए कुछ देश को दाव पे नहीं लगाया, उन्होंने काल से लड़ ली, इसलिए इतना बड़ा कैरेक्टर को खुद को कंपेरिजन करने से कुछ सोचती थी, मगर आपने नहीं सोचा, आपको मुस्लिम अपीजमेंट ही करना है, तो आयशा नहीं तो फातिमा बीवी का नाम नहीं थे, आप खुद को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्लियामेंट में ब्रिलियंट दिखाने वाले, आप इतना ही कंपेरिजन करना है तो आप इंडी का पार्टनर डीएमके ने जयललिता जी के साथ क्या किया वो बोल लेती, नहीं तो रूपा गांगुली बीजेपी के कैंडिडेट से बंगाल में क्या किया वो बोल देती, वो कंपेरिजन कर लेती, मगर वो नहीं करना है आपको, खाली मुस्लिम अपीजमेंट करना है। सिंध में कितना हिंदू एमएलए है वो भी पूछ लेती तो अच्छा है, 7 to 9 एमएलए मिलकर एक एमपी बनते हैं, वहाँ पे कितना बने, तो आप माँ काली नहीं हो, माँ द्रौपदी नहीं हो। पॉइंट सेकंड है कि हर बात मोदी जी को प्रूफ मांगने वाले ये डॉट डॉट कॉम का ये पहला चेहरा ममता जी का फेवरेट एमपी नमो मित्रा जी, जब आप 2 लाख का आईना पहने तो तब आपको जनता बेवकूफ़ दिखने लगे, जब जनता आपको प्रूफ मांग रही है तो एथिक्स कमेटी आपको पुरसभा दिख रही है, ऐसी होती है देश, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, आपका दिखने में फ़र्क मालूम होगी, जब आईना और चश्मा उतरेगी तो देश का मिट्टी मेरी देश मेरी माटी का आपके जुबान पर आएगी, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से आप खुद जलते हैं, इसीलिए नाटक कर दिया और इतना बड़ा स्टेटमेंट खुद चीर हरण हुआ द्रौपदी का, आप द्रौपदी जी नहीं हैं, आप इस भ्रम से निकल कर बाहर आइए, आप बदलिए तब आपको दिखने लगेगा क्या है देश, देश यानी जनता है, जनता ही जनार्दन है, वो अब जब तक आपको नहीं मालूम होगी आप पॉलिटिशियन अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे नहीं, क्यों आप द्रौपदी नहीं हैं अब आपको पहले मैं इस वीडियो में बताती हूँ, अगर इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि द्रौपदी जी का आप अपमान करना छोड़ दीजिए, आप खुद को उनसे कंपेरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी स्टेट का रानी नहीं हो, ना ही प्रिंसेस हो, ना ही आपके 5 पतियां हैं, तो आप ये सारे माता बहनें जो भी इस वीडियो देख रहे हो उनसे कहना चाहती हूँ, हर रोज़ सुबह उठकर हमको ज़रूर अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंडोदरी का नाम स्मरण करना है, क्योंकि ये लोग पतिव्रता है जो काल से लड़ लिए, मगर ये महुआ महित्रा एथिक्स कमेटी के सामने ही खड़े नहीं हो पा रही है, ये खुद को द्रौपदी कह रही है। द्रौपदी जी ने कृष्णा जी से पूछा कि मैंने तो एक वरदान मांगा कि उसमें सारे गुण हो, जो धर्मराज अर्जुन भीम में नकल सहदेव में है वो गुण मांगे, मगर आप तो 5 पतियां क्यों दे रही है, एक ऐसी औरत के साथ नहीं ऐसा मुझे साथ क्यों हो रहा है, बोल के कृष्ण जी का पाँव पकड़ के रोई, तो कृष्ण जी ने कहा कि वरदान मांगना भक्तों का काम है, वरदान देना मेरा काम है, मगर एग्जीक्यूशन नेचर करती है, एक बार नेचर ने डिसाइड कर दिया तो एग्जीक्यूट होके रहेगा, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने वरदान मांग दी और नेचर ने उसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि इतना गुण तुमने जित पति एक पत्नी में मांगा वो मानव में ऐसा होना, इतना गुण होना असंभव है, इसीलिए आपका 5 पतियों के साथ विवाह करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये लेसन इसीलिए रखा गया है, इसीलिए अहल्या द्रौपदी मंडोदरी कुंती तारा को याद करने के लिए इसीलिए हमारे सनातन ग्रंथ कहते हैं, और सनातन धर्म ये कहती है भगवान से ज़्यादा वरदान नहीं मांगना चाहिए, अगर एक बार डिसाइड नेचर ने कर दिया तो वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगी, उसको चाहे भगवान भी नहीं रोक सकते, तो इतना पावरफुल होती है नेचर से, हम जो बात करते हैं हम जो थिंक करते हैं जो बात करते हैं, इसीलिए जुबान पर कंट्रोल होना और
भगवान से कितना स्ट्रिक्टली वरदान मांगना, ये सब आपके सनातन धर्म में कह गए हैं। इसीलिए यहाँ के मुल्ला मौलवी से कहती हूँ, आप वो कुरान से वो हटा दीजिए, अल्लाह मैं काफिर का मार देंगा, उसको बर्बाद। कोई इस्लाम से मुझे कोई नफरत नहीं है, ना ही महुआ मोहित्रा जी से, मगर जिसने ये सेंटेंस यूज़ करी है बार बार सनातन धर्म का, कितना वो कैरेक्टर को समझिए, क्या कहना चाह रही है सनातन धर्म हमसे। आप में महुआ मोहित्रा जी, आप में 1% का ब्लड हिंदुओं का है, तो आप जरूर द्रौपदी जी का कैरेक्टर को पढ़िए, तब जाके आपने कितना गलती किया आपको समझ में आएगा। हर कोई गलती करना किसी महापुरुषों के बारे में इतना चीपली, आपने काली माता को भी वाइन ड्रिंकर मीट ईटर क्या क्या की बोल दिया आपने, कितना गलत कर रहे हैं। ये मैं को इस्लामी लोगों से, मुस्लिम से भी कहना था, भगवान से हम दुआ मांग नहीं सकते, मुरी आमाला विश नहीं मांगना चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन भगवान यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो हम उस पर टिक नहीं सकते। मगर अहल्या, द्रौपदी, मंडोदरी जी कितना दर्द सहा होगा, वो भगवान ही आकर उनको खुद आइडेंटिफाई कि आप पतिव्रता लोग हैं, आपका सब लोग याद रखना चाहिए ताकि ऐसा गलतियां फिर ना हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ, मुझे किसी पर्सनल इंटरेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। महुआ मोहित्रा जी, आप बदलो, और इस्लाम का यहाँ पे जो भी मुल्ला मौलवी है उस कुरान का वो फ्रेजेस बदलो, नहीं तो हम इस काल के फाइट में हम टिक नहीं सकेंगे। हम इतना बलवान नहीं है जो प्रीवियस हमारे एंसेस्टर्स थे इस देश में। अगर इस देश को ही आप समझ नहीं सकते तो आपके पास में सीरिया, अफगानिस्तान, पालेस्तीन किसके बर्बाद, किसने मांगा, किसने कैसे वरदान कंप्लीट हो रहे हैं, आप ये समझ नहीं पड़े तो आप जैसा कि कोई बेवकूफ नहीं होंगे। तो बदलिए और आप अच्छे इंसान बनिए, यही मेरा इरादा है, यही मेरी आशा है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो में आपसे मिलने तक मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।